हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज गाइस देखें, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो एक फॉर्म निकाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह है और उसका सिलेबस वगैरह क्या है, उसमें क्या क्या आने वाला है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर आज या आज इवनिंग या कल से आपको वीडियोज़ वगैरह आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए आप इसकी प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, ये जो निकाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ने निकाला है दिल्ली पुलिस का फॉर्म जो है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए होगा। अब देखिए इसकी डेट क्या थी, जो निकला था ये 1 अगस्त को, 1 अगस्त को ये निकला था 2020 में, और 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जिसने अभी तक फॉर्म ना भरा हो वो भी भर सकता है। अब देखिए, अगर इसकी फ़ीस के बारे में बात करें, जनरल OBC की 100 होगी और सभी के लिए 0 होगी। जो पेमेंट वगैरह जो है, ये जो पेमेंट करना होगा डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। एज लिमिट के अगर बारे में बात करें तो देखिए, इसकी मिनिमम एज 18 होगी और मैक्सिमम 25, 18 से 25 साल तक को के लिए ये फॉर्म होगा। लेकिन अगर रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन आपको मैं आगे जो नोटिफिकेशन है इसमें, नोटिफिकेशन में मैं बताऊंगा आपको। आगे देखिए एलिजिबिलिटी डिटेल्स, कैंडिडेट पास्ट क्लास 12th इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में किसी भी बोर्ड से जो है उसने 12th कर रखी हो कम से कम, ओनली 12वीं वाले ही भर सकते हैं, उससे कम नहीं। फिर मेल कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस। LMV ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसे बोला जाता है। लाइट मोटर व्हीकल में क्या क्या आते हैं, जैसे अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, जैसे 4-व्हीलर तक होगी, इससे ऊपर नहीं, जैसे कार हो गई, जीप हो गई, अपना छोटी मोटी स्कूटी वगैरह, ये सब LMV मतलब लाइट में आते हैं ये सब, तो इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ट्रक वगैरह का नहीं चाहिए, गाड़ी वगैरह का नहीं चाहिए, बस वगैरह का नहीं चाहिए, अपना बस सिंपल। अब देखिए वैकेंसीज की बात करें तो 5,846 इसमें वैकेंसीज हैं, और देखिए मेल की बात करें तो 1,868 की मेल की इसमें भर्ती होनी है, और फीमेल की 933। OBC के लिए बात करें, OBC मेल के लिए 736, फीमेल के लिए 387। EWS के लिए बात करें तो 381 मेल के लिए और फीमेल के लिए 202। SC के लिए बात करें 709 मेल के लिए और 328 फीमेल के लिए। ST के लिए बात करें 208 और 94 फीमेल के लिए। तो टोटल पोस्ट देखिए 5,846 होंगी। अब देखो फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए बात करें तो मेल के लिए गाइस इसमें क्या है, हाइट तो है 170 सेंटीमीटर इसमें चाहिए सभी के लिए, ओनली ST के लिए 165 चल जाएगा। चेस्ट देखे इसमें 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम 81 सेंटीमीटर, और 85 तक मतलब फुलाव चाहिए होता है इसमें 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके लिए देखें रेस कितनी करनी होगी, 1600 मीटर करनी होगी 6 मिनट में हर एक मेल के लिए। इसमें रेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी के लिए भी, 1600 मिनट मतलब 1600 मीटर इसकी रेस करनी होगी 6 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप इसमें चाहिए 14 फीट का, और हाई जंप 3.9 यानी 3 फीट 9 इंच का। फीमेल देखिए फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए 157 इंच हाइट होनी चाहिए, SC ST के लिए 155 चल जाएगी। और देखिए इसमें क्या रेस बिल्कुल बराबर होगी 1600 मीटर, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा 8 मिनट, उसमें क्या है 6 मिनट थी। और देखिए लॉन्ग जंप क्या है, इनमें 10 फीट चाहिए गर्ल्स के लिए, लॉन्ग जंप जो होगा जो भागकर लंबी कूद मारते हैं वो 10 फीट होगा, और जो हाई जंप होगा वो 3 फीट के लिए होगा, ठीक है गाइज। तो देखिए इसमें आगे देखिए हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर देखिए इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो देखिए नोटिफिकेशन में है क्या, देखिए है तो काफ़ी लंबा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बस मेन मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, राइट गाइज। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, सिटीजनशिप जो है इंडिया की होनी चाहिए। जो बंदा इस फॉर्म को भरने वाला आउट ऑफ इंडिया का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट इसमें 18 से 25 में दे रखी थी, लेकिन अगर रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन किस किस कैटेगरी को मिलेगा, देखिए रिलैक्सेशन जो एक तो SC ST को मिलेगा 5 साल का, यानी 25 साल लास्ट लिमिट थी, तो लेकिन इसमें SC ST में क्या है 30 साल तक के भर सकते हैं। OBC में क्या है, OBC में 3 ईयर्स का है, तो इसमें देखिए गाइस भर सकते हैं 28 साल तक के। अब देखिए कोई अगर स्पोर्ट पर्सन है, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर स्पोर्ट पर्सन है उसने नेशनल या इंटरनेशनल खेला हुआ है तो 5 साल तक की उसके लिए छूट होगी, यानी वो भी 30 साल तक के लिए वैलिड होगा। फिर आगे देखिए अगर SC ST में बात करें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो 10 साल के लिए होगा। फिर आगे देखिए दिल्ली पुलिस के लिए बात करें, अगर दिल्ली पुलिस की किसी और पोस्ट पर है और इसका कॉन्स्टेबल वाला फॉर्म भरना चाहता है वो, तो उसके लिए होगी गाइस 40 साल तक, डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस उसके लिए 40 साल तक होगी। और अगर OBC की बात करें तो उसके लिए 43 होगी, ST की बात करें 45 होगी, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो देखिए काम काम के ओनली मैं उसमें वो दिखाऊंगा, बेवजह टाइम वेस्ट करने कुछ फ़ायदा नहीं है।
हाँ देखिए, एनसीसी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, देखिए तीन कैटेगरी में होता है, ए बी सी। अगर किसी के पास देखिए सी वाला है, अगर सी वाला किसी के पास है तो उसके लिए 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, उसके लिए छूट होगी 5% मार्क्स की। 5% मार्क्स की देखिए छूट किस तरीके से होगी। देखिए जैसे सपोज 100 पर मेरिट लगी है तो 95 उसकी बंदे की जो है ना, जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उसकी जो है 95 तक वो पास हो सकता है, क्लियर हो जाएगा वो। अगर बी सर्टिफिकेट की बात करें तो उसके लिए 3% की जो छूट होगी, अगर 100 पर मेरिट लगी है तो वो 97 तक पास हो जाएगा, और ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% की छूट होगी गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए, आप देखिए इसके जो है, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स देखिए आपको ज़्यादा पढ़ना है, वैसे सारी चीज़ें आएंगी इसमें। देखिए नंबर कितना आएंगे करंट अफेयर्स में जो है आपका, 50% का, ये 50 नंबर का होगा, सॉरी 50 नंबर इसके होंगे, 50 नंबर होंगे इसके। फिर रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग होगी आपकी 25 नंबर की। तो गाइस ये दोनों चीज़ें काफ़ी हैं आपके नंबर वगैरह गैदर करने के लिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग जो है ईजी होती है रीजनिंग। तो फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी जो आपकी मैथ्स वगैरह होगा, मैथ्स में देखिए 15 नंबर का है कुल मैथ्स। और उसके बाद है कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WWW एंड वर्ड वेब ब्राउजर्स। तो देखिए ये क्या है 10 नंबर का, यानी जो कंप्यूटर फंडामेंटल होगा वो आपका 10 नंबर का होगा। देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल वगैरह और जीके वगैरह सब आपको यहाँ पर करा दी जाएंगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए आपका जो है ये पूरा जो आपका टेस्ट होगा 1.5 घंटे का होगा, यानी 90 मिनट में आपका पूरा टेस्ट होगा, और ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा गाइज, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर 4 अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए देखिए गाइस, अब सिलेबस की थोड़ी सी देख ले, सिलेबस में क्या क्या है, वैसे ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए इसमें करंट नॉलेज, एक तो जीके में जो है करंट आएगा आपका, करंट आपको पढ़ना होगा। उसके साथ साथ देखिए क्या है आपकी, इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था होगी, जनरल पॉलिटी होगी आपकी, राज्य व्यवस्था होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा आपका, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें होंगी आपकी। हिस्ट्री भी होगी गाइस आपकी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी होगा, जो आजकल के स्पोर्ट वगैरह चल रहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, कौन किस में जीत रहा है। कल्चरल ज्योग्राफी होगी, इंडियन इकोनॉमी होगी, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। फिर देखिए अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में देखिए आपको करा दिया जाएगा डायरेक्टली, इसमें देखिए कुछ समझने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपकी जैसे वीडियोज़ होंगी, वीडियो बनेंगे हमारे चैनल पर, तो आप वो देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल देखिए मैथ्स में आपका क्या क्या होगा, डेसिमल, फ्रैक्शन वगैरह होंगे आपके, नंबर सिस्टम होगा आपका। फिर इसके बाद है आपका फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह, परसेंटेज होगी आपकी, रेशियो प्रोपोर्शन होगा आपका, एवरेज होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सब चीज़ें इसमें होंगी, मेंसुरेशन वगैरह ये सब आएगा आपका, टाइम एंड वर्क वगैरह। फिर देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो इसमें क्या है गाइस, हमारा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। फिर एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें होंगी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर करा दी जाएंगी। टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, एम एस एक्सेल, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेड शीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स वगैरह, ये सब चीज़ें अगर आपको शायद आती भी होंगी अगर आपने कंप्यूटर सीख रखा हो, बहुत ईजी चीज़ें हैं। फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन जो है इसमें, कम्युनिकेशन का मतलब होता है थिंक, थॉट, ओपिनियन वगैरह को एक्सचेंज करना, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात करता है उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी अपनी सोच, थिंक, थॉट, ओपिनियन वगैरह उस पर शेयर करना और वो अपनी हमें फीडबैक देता है, उसे ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए कंप्यूटर का है तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसमें देखिए जैसे ईमेल हो गया या व्हाट्सएप, चैट, मैसेज वगैरह, वो सब कम्युनिकेशन होता है, वो सब चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन कैसा होगा इसमें वो चीज़ें होंगी। बेसिक ईमेल सेंडिंग, रिसीविंग एंड ईमेल्स एंड रिलेटेड फंक्शन, ये सब कम्युनिकेशन में ही आता है गाइज। फिर इंटरनेट, WWW एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म होती है, एंड वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विंग सर्विस एंड इंटरनेट URL, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह, इसकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, ये सब चीज़ें इसमें गाइस आपकी होंगी। फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है।
हाँ देखिए गाइस, अगर हाइट की बात करें, अगर देखिए हाइट की बात करें मेल के लिए, अगर हाइट की बात करें रिलैक्सेशन हाइट, देखिए इसमें 170 देखिए इसमें दे ही रखी थी हाइट, जो हाइट है इसकी 170 के लिए वो हाइट को बोला गया है। लेकिन अगर देखिए इसमें अगर हम बात करें, सॉरी हाइट नहीं है इसमें, इसमें फिजिकली है। देखिए इसमें क्या है, देखिए रेस जो है इसमें 1600 मीटर दे रखी है, लॉन्ग जंप इसमें 14 फीट दे रखा है। ये तो गाइस मैंने बता दिया आपको, इसमें आगे चलते हैं। हाँ देखिए अगर गाइस हाइट की बात करें, हाइट देखिए 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर कितना होता है, 168 जो है अपना 5 फुट 6 इंच होता है, और उसे 2 सेंटीमीटर मतलब ज़्यादा चाहिए होता है, 5 फुट 6 इंच से मतलब ज़्यादा चाहिए होता है इसमें। लेकिन 5 सेंटीमीटर देखिए किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, हिल्स एरियाज, हिल्स एरियाज़ यानी देखिए अगर धर्म की बात करें, जैसे गढ़वालीज हो गए, कुमाऊँ हो गए, गोरखा हो गए, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का जो है हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 165 इनके लिए चल जाएगा। बिलोंगिंग टू स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख, जो यानी जो ये जो एरियाज़ हैं मतलब पहाड़ी एरिया बोलते हैं इन्हें, वहाँ के लोगों के लिए भी इतना ही है ये, मतलब 5 सेंटीमीटर की इसमें क्या है छूट मिलेगी हाइट में, मतलब कम चल जाएगा। और देखिए 5 सेंटीमीटर एसटी के लिए भी है, जो एसटी कैटेगरी के जो बंदे होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा हाइट में। और चेस्ट की अगर बात करें, चेस्ट जो है इसमें 81 चाहिए, मिनिमम 81 होनी चाहिए, और एक्सपेंशन यानी फुलाव जो होता है वो 4 सेंटीमीटर का चाहिए, वो ईजिली आ जाता है, ये ओनली मेल्स के लिए है। आगे देखिए, आगे फीमेल अगर कैंडिडेट की बात करें तो देखिए रेस इनके लिए भी 1600 मीटर है, लेकिन इनके लिए मिनट कितना है, 8 मिनट में है। लॉन्ग जंप 10 फीट होगा और 3 फीट हाई जंप होगा, ठीक है। अबाउट 30 से 40 साल तक एज के लिए 9 मिनट के लिए हो जाएगा, मतलब रेस उतनी है, मिनट बढ़ जाएंगे बस, 10 मिनट हो जाएगा, और 9 फीट इनका जो है लॉन्ग जंप हो जाएगा, जंप वगैरह कम हो जाएंगे। अबाउट 40 या 40 हज़ार से ऊपर है तो 10 मिनट इसकी हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस। अगर देखिए गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के लिए देखिए 157 सेंटीमीटर, लेकिन 2 सेंटीमीटर किसके लिए हो जाएगा, वही सेम जो मैंने बताया हिल्स एरिया वाले के लिए, जो पीछे बताया था उनके लिए जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा कम, यानी 155 इनके लिए चल जाएगी। और एससी एसटी की गर्ल्स जो हैं उनके लिए भी 2 सेंटीमीटर चल हो जाएगा, यानी 155 इनके लिए भी चल जाएगा। हाँ देखिए अगर वोटर आईडी की बात करें, देखिए आपको क्या क्या करना होगा जो आप जाएंगे, इन एडिशन टू दी एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। तो देखिए गाइस आपको कम से कम 2 फोटोग्राफ लेके जाने हो रिसेंट वाले, जो आपकी शक्ल से मैच करने चाहिए वो। ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी चाहिए, प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो देखिए उसमें डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए गाइस, बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि आप अलग डेट का लेकर चले गए, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ उसमें सेम होनी चाहिए। आपके फेस चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो बिल्कुल उसमें जो डिटेल होंगी वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपने इसमें भरी है फॉर्म में। अब देखिए इसमें क्या क्या ले जा सकते हैं, आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, मतलब आप प्रिंट आउट भी ले जा सकते हैं आधार का। तो वोटर आईडी आपको ओरिजिनल ले जानी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इनमें से गाइस ये सारे नहीं ले जाने, इसमें एक दो ले जाना बस, आईडी कार्ड इशूड, दो में इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है एक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम 2-3 तो आपके पास होने चाहिए। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट PSU, ये सब इनमें से देखिए आप आईडी वगैरह ले जा सकते हैं। सो गाइस देखिए ये आपका सिलेबस और देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए कल से हम जो है, इनफैक्ट आज ही इवनिंग से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहना। थैंक यू, थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।